नमस्ते, मेरा नाम पलक सिंह है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल से। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है परमवीर चक। सिरसा कहलाता था वो मन का बड़ा ही मौजी था। विक्रम बत्रा नाम था उसका, भारत का वो फौजी था। कई दिनों के बाद जब उसने माँ का दामन पाया था, पलंग बिछाए बैठा था कि चिट्ठी ले कोई आया था। उस कागज के टुकड़े ने माँ को फिर रुलाया था। सरहद का बुलावा आया था, भारत माँ ने उसे बुलाया था। तो बोला माँ तुम रोती क्यों हो, मैं फिर लौट कर आऊंगा, या तो तिरंगा लहराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। दे दिलासा निकल पड़ा कर फौलादी अपने इरादों को, क्या वो पूरे कर पाएगा देश से किए हुए वादों को। सर कारगिल की जंग थी यारो, वतन अपना बचाना था। था वीर बहुत जोशीला, दुश्मन से ना वो डरता था। दुश्मन के अड्डे में घुसकर वो सबको धूल चटाता था। फिर चोटी पर लहराए तिरंगा, ऐसा खेल है रचाना था। बहादुरी से लड़कर उसने एक उदाहरण बनाया था। गवाकर अपनी जान इस देश को बचाया था। अदम्य वीरता और पराक्रम के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बॉय के जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए देश के लिए नवाजा था। वादे जो किए थे माँ से, पूरे उसे निभाया था। निपट कर तिरंगे में वो घर लौट कर आया था। देश प्रेम की बन मिसाल वो दिल पर सबके है छाया। धन्य हुई ये भारत भूमि जिस पर उसने जन्म लिया, इसकी ही खातिर उसने तिरंगे का कफन लिया। सैनिक होती अगर मैं आज, भारत माँ तुझ पर मिटती। अपनी भारत माँ की रक्षा हेतु विक्रम की तरह अपने प्राण नौछावर कर देती। जाते जाते विक्रम एक सिखा गए ये बात कि वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में ना लिपटी हो। विक्रम बत्रा का बलिदान अमर रहेगा, तू हमेशा इन दिलों में जीवित रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम बत्रा। धन्यवाद।